सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इल्विश यादव के बारे में। तो दोस्तों कुछ लोगों ने इल्विश यादव को धमकी दी है और आखिर क्यों। तो बेसिकली आपको पता होगा कि प्लेग्राउंड सीजन 4 शुरू हो चुका है, जिसके मेंटर्स हैं इल्विश यादव, मिथ पैट, मोर्टल और मुनावर फारूकी। तो दोस्तों एक कॉन्टेस्टेंट आती है जिनका नाम है गिन्नी पांडे और वो इल्विश यादव से एक सवाल करती है और इल्विश यादव उस सवाल का जवाब डबल मीनिंग में देते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो आप देखिए। क्या करते हो आप जो कह दो हम वो कर देंगे। नहीं वो तो नहीं करवाना। अब दोस्तों इल्विश यादव की इसी हरकत की वजह से उस कॉन्टेस्टेंट के फैमिली मेंबर्स इल्विश यादव पर भड़क गए हैं। उन्होंने इल्विश यादव को धमकी तक दे दी है लिटरली। क्या कहते हैं आप इस वीडियो में देखिए। पता नहीं है बैकग्राउंड क्या है आपके शो में। तो वो से नहीं, मैं खुलम छूट गाली दूंगी इसीलिए, समझे ना। आ रही हूं मुंबई आ रही हूं। अभी हम लोग पता है क्या प्लान कर रहे हैं, इसको शो से अभी खींच लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं गिन्नी को। अब हम सोच रहे हैं कि अब छोड़े ही ना गिन्नी को। आपका क्या कहना है इस बारे में। साले बॉलीवुड से हो चाहे हॉलीवुड से हो, कहां से हो ना, देखिए तुम्हारे में कितना दम है साले। अच्छे से मेरा मुझे अचानक से लिमिट क्रॉस हुआ है ना। बड़े बड़े लोग डरते हैं जिस नाम से ना, अभी तुमका उससे सामना होगा, ये याद रखना। अभी मुझे सुनो क्या हुआ, मुझे पैर जब तक पकड़ के माफी नहीं मांगोगे ना, छूटने वाले नहीं हो तुम। बस इतना बेवकूफ ऑडियंस ने बेवकूफ लोगों को एकदम पॉपुलर कर दिया है। इनको क्या लगता है किसी भी लड़की को अगर इसे लेम जोक से प्रॉब्लम नहीं होता तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्या। इतना गंदा उम्मीद नहीं था। नहीं मारे आप, अपने टेलीकास्ट भी किया, हम वहां तक भी चुके, आपने दोबारा ये रील बना करके बहुत बड़ी। ये तो साला ये पैसा पूसा भी नहीं दे रहे हैं ढंग का। और दोस्तों इन्हीं लोगों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि ये भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग देखिए। धार का बात ही नहीं है, उल्टे खोपड़ी के आदमी घुटने में बुद्धि है क्या। अरे इसकी माँ बहन नहीं होगी, इसकी माँ बहन कोटे वाली होगी, बात खत्म। उसको अच्छा नहीं लगेगा। चुप रहो भैया, ये सब फालतू का बात। बोल रहा है कि एल्विश तेरा बाप का है, बोल रहा है, क्यों बोलेगा। अरे वो बेवकूफ लोग, बेवकूफ है ना, बात हो जाएगा। हाँ बेवकूफ नहीं है, उसकी माँ बहन वही होगी साले के। बच्चे हैं ये साले। गेमिंग सोल, थैंक यू 400। हाँ बात है, तुम काहे बोल रही हो फालतू का। क्यों, बिहार में तो गालियाँ देती है महिला, छुट्टा स्वागत में गालियाँ देती है। यहाँ पे देखने वाले खाली बिहार के नहीं है, पैन इंडिया। हाँ पता है, इसीलिए मैं चुप भी हूँ। ये तो हमारे यहाँ तो राम जी तक को नहीं छोड़ते हैं भाई। कहाँ से बनाऊँ, दिख ही नहीं रहा है यार, इतना सारा डाला। इसलिए थोड़ा लिमिट में, ज्यादा बाप बाप करोगे ना, मैं पेल दूंगी अच्छे से तुम्हारा बाप। इसी के बाद काफी लोग इन दोनों पर भड़क गए हैं और इस पर्सन ने इनका वीडियो बिहार पुलिस और रैंडम सेना को भी टैग कर दिया है। और हमें देखने को मिलता है कि इसी ट्वीट पर बिहार पुलिस का भी रिप्लाई आया है। वो कहते हैं कृपया आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रेषित। वैसे दोस्तों इनके कारनामे को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं इल्विश यादव के दोस्त लव कटारिया के बारे में। तो दोस्तों लव कटारिया ने मुनावर फारूकी को अपना रिप्लाई दे दिया है और आखिर क्यों। तो मुनावर फारूकी कर रहे थे लव कटारिया को प्लेग्राउंड सीजन 4 में। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए लव कटारिया मुनावर फारूकी को क्या कुछ कहते हैं आप इस वीडियो में देखिए। तो अभी मैंने एक रील देखी, पता हूँ किसकी रील। मुन्ना वाज सेइंग समथिंग टू मी, नंबर दो, अभी पहले तो मेरे को रील नहीं मिल रही, एक बार रील ढूंढ लूं फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी उधर से, फिर मैं देखना चाहूंगा कि फिर से मेरे एब्सेंस में क्या बोला जा रहा है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल का सीन ये है, लक्ष्य चित आ गए हैं कुछ खाने। बंदे कह रहे फिल्म को मत क्यों जा रहा है, फिल्म को से भाग के आए। वो कवर रेड है, वो कवर रेड है। चलो जहाँ से भी भाग के आया है, तुम बताओ कहाँ से भाग के आए। सबको पता है भाई। अच्छा भाग के आएगा वहाँ से, चलो कोई बात नहीं, जब हम प्रेजेंट हो हमारे सामने बोलना, अच्छे कमबैक्स मिलेंगे आपको, बेटर मिलेंगे, बेटर। मैंने देखा तीन चार लिया इस दिन हम यार। अरे को करता है रोस्टिंग सेशन नहीं करता, सबको बुलाता है। एक तो क्लियर बोल तू पहले। अरे रोस्टिंग सेशन करता है, सबको बुलाता है। किस किस को बुलाएगा सबको, मतलब जो इंटरनेट बनता है। मजा आएगा, मजा रोस्टिंग वाले। चलो ये तो चलो वैसी बातें होगी इंटरनेट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं पूरव झा के बारे में। तो दोस्तों पूरव झा ने अपने नए वीडियो के बारे में अपडेट दिया है। दोस्तों लगभग एक महीना हो चुका है और पूरव झा की वीडियो अभी तक नहीं आई है। और आपको बता दूं कि पहले जो है पूरव झा हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते ही थे, लेकिन अभी एक महीना हो चुका है और उनकी नई वीडियो अभी तक नहीं आई है। पूरव झा क्या कहते हैं आप देख ही सकते हो। हाँ जी डार्लिंग्स, काफी लोग मेरे से कह रहे हैं कि भाई YouTube वीडियो स्लो क्यों हो गई, आप हर महीने डालते थे अभी क्यों नहीं डाल रहे हो। तो गाइज YouTube वीडियो आ रही है, समझ लो इस बार मेरे चैनल की ये सबसे बड़ी वीडियो है। 45 डेज हमें स्क्रिप्ट लिखने में लगा है, मतलब 45 डेज, समझ रहे हो ना, मतलब हम और बाकी स्क्रिप्ट 10 से 12 दिन में लिख देते हैं, बट 45 डेज लगा है स्क्रिप्ट लिखने में। एंड कुछ नेक्स्ट लेवल शिट है,
स्पूफ वीडियो नहीं है, स्केच है प्रॉपर। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई कुछ बना, कुछ अलग से बना, तो गाइज अलग से आ रहा है। बस अपना प्यार बनाए रखना, मैं सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। आप लोगों को पुच्ची देने वाला हूँ मैं सबको इस वीडियो के थ्रू, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। बस प्यार बनाए रखो डार्लिंग्स, लव यू। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, तो बात कर लेते हैं मिस्टर बिस्ट और रोनाल्डो के बारे में। तो दोस्तों मिस्टर बिस्ट ने रिप्लाई दे दिया है रोनाल्डो को, और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और एक महीने में ही उनके लगभग 60 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर बिस्ट KSI और लोगन पॉल के साथ इंटरव्यू में क्या कुछ कहते हैं रोनाल्डो के बारे में, आप खुद ही देख लीजिए। Ronaldo gained 60 million subscribers last month. I broke the world record for most subs gained in a month. It was like 20 million. And then 2 months later, Ronaldo comes on and 3x's it. It's like this platform's existed for 15 years. I shatter the record and then Ronaldo just 3x's it his first month on the platform. He's got to be the biggest superstar on the planet. Oh, yeah. He's crushing. Obviously. I mean, Ronaldo is Mr. Riz. You know what I mean? But yeah, he, if there was someone who would pass me, it would be Ronaldo. And how many subscribers is he on now? Around, he's literally only had an account for a month, so 60 million. Oh, my God. Wow. Yeah. Would you be disappointed? I'm not going down without a fight. We'll see. Oh, yeah. Messi, let's go. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सोशल मीडिया से रिलेटेड और यूट्यूब कम्युनिटी की न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।